आपके पास फेरिक ऑक्साइड एक कंपाउंड है ठीक है उसमें जो ऑक्साइड आयंस हैं उन्होंने हेक्सागनल क्लोज पैकिंग जो है वो फॉर्म किया हुआ है मतलब कि हमारे पास जो ऑक्साइड आयंस हैं वो हैक्सागनल क्लोज पैकिंग में कॉर्नर्स पे अरेन्ज है ठीक है फेसिस पे अरेन्ज है और साथ ही साथ बॉडी सेंटर में अरेन्ज है राइट और जो फेरिक आयंस हैं फेरिक आयंस मीन्स कि आपके पास एफ ए थ्री पॉजिटिव आयंस की बात की गई है उन्होंने जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो टू थर्ड टू आउट ऑफ एवरी थ्री का मतलब है ऑफ़ होल्स जो हैं वो मतलबाई किए हुए हैं ओके सो so, आपसे बोला गया कि आपने फॉर्मूला डिराइव करना है फेरिक ऑक्साइड का हम ये रज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑक्साइड आइन्स आ रहे हैं ठीक है इन क्लोज पैकिंग दैट आर एन सो सपोज द नंबर ऑफ ऑक्साइड आय O2 टू नेगेटिव इन पैकिंग इक्वल टू एन आ गए राइट और ऑब्वियसली बात है वी नो दैट कि हमारे पास जो आते हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ एटम्स जो पैकिंग में अरेंज्ड हैं, उसी के बराबर आते हैं सो यू कैन राइट देयरफॉर फोर नंबर ऑफ वॉयड्स वो किसके इक्वल आएंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन्स पैकिंग में अरेंज्ड हैं उसके इक्वल आएंगे नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इन दी पैकिंग अब हमारे पास ऑक्साइड कितने प्रेजेंट है आर एन सो नंबर ऑफ ऑक्टोहाइड्रोल वॉइड्स कितने हो गए दैट आर इक्वल टू एन राइट अब इनमें क्या बोल रहे हैं कि टू आउट ऑफ एवरी थ्री ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयंस मतलब टू थर्ड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के वो फेरिक आयंस ने ऑक्युपाई किए हुए हैं सो एज टू बाई थ्री ऑफ आर ऑक्यूपाइड बाय फेरिकायर नंबर ऑफ फेरिकायन प्रेजेंट कितने हो जाएंगे सो यू कैन राइट नंबर ऑफ फेरिक आय प्रेजेंट इक्वल टू ऑबली टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वो ऑक्टाहीड्रल वो दीज आर टू बाई थ्री एन हो गया है सो यू कैन राइट देअ हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना तो डेफिनेटली इन दोनों की हमें रेशियो देखनी होगी सो रेशियो ऑफ एफ ई थ्री पॉजिटिव एंड ओ टू नेगेटिव एफ थ्री पॉजिटिव कितने टू बाई थ्री एन ओ टू नेगेटिव कितने हैं हमारे पास एन ठीक है तो एन के साथ एन कैंसिल हो गया ओके सो पॉजिटिव नेगेटिव कितनी आ गई टू बाई थ्री रेशो वन अब यहां पे मैं वन एज्यूम कर लेती हूँ आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो राइट right? तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफ ई थ्री पॉजिटिव रेशो टू नेगेटिव इक्वल टू टू इंटू वन दैट विल बी टू ओके थ्री इंटू वन दैट विल बी थ्री राइट मतलब कि जो एफ थ्री पॉजिटिव है वो टू रेशियो में प्रेजेंट है और ओ टू नेगेटिव थ्री रेशियो में प्रेजेंट है तो फॉर्मूला क्या बन गया हेंस द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड Is Fe two O three.